अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर आफियत होंगे। तो बच्चे, आज हम लोग सेवन क्लास की का काउंटडाउन देखते हैं। ठीक है बच्चे, तो डे क्या है 17। डिफाइन वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल इज़ एन अननोन नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर। कोई भी अननोन नंबर जिसको हम कोई भी किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक्स वाई जी, ये अननोन नंबर है। ठीक है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट इज अ सिंबल विद फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसकी न्यूमेरिकल फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 3 है, 5, 35 है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। कोफिशिएंट क्या है, नंबर दैट इज प्लेस्ड बिफोर द वेरिएबल। वेरिएबल से पहले जो सा नंबर, जैसे 2 आया, तो इसमें जो 2 होगा बच्चे वो कोफिशिएंट होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टर्म और टर्म्स। ठीक है, सिंगल टर्म होती हैं, टर्म्स होते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई पावर वगैरह नहीं होती। कनेक्टेड बाय ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, वो किसी भी ऑपरेशन के, मतलब एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का कोई भी ऑपरेशन हो, जैसे आप लोग जैसे 3x है, x माइनस 2y है, कोई भी आपके पास इसमें ऑपरेशन आ सकता है। ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आगे क्या है, डिफाइन पॉलीनोमियल्स। तो बच्चे पॉलीनोमियल क्या है, पॉलीनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म, जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म्स हो, जैसे स्केयर वाली 20 में टर्म्स आ, इन ईच ऑफ विच द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज जीरो और पॉजिटिव इंटीजर। आपका जब आपके पास एक्सपोनेंट का जो वेरिएबल, ठीक है, किसी भी वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा बच्चे, वो जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, लेकिन नेगेटिव इंटीजर ना हो। ठीक है, आपके पास इसमें इसकी ज़्यादा वैल्यूज भी आ सकती हैं, जैसे मैं कह दूँ कि एक्स स्केयर है, माइनस 3x है, प्लस 2, इस तरह वाली वैल्यूज हो जाएंगी आपके पास, फ्रैक्शन भी हो जाएंगे, क्या कहलाती हैं, पॉलीनोमियल्स कहलाती है। ठीक है बच्चे, आपके पास ये आज की डेफिनेशन थी, आपने इनको लिख लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।